हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के गढ़। हाँ तो गाइस, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गई है। और ये जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज करने वाली है। ऊपर से थलापति विजय सर ने तो भाई सब सारा का सारा तोड़ ताड़ के रख रखा है। नेगेटिविटी इतनी सी देखने को मिल रही, पॉजिटिविटी इतनी देखने को मिल रही है। और जो मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ ना, जितना एक्सपेक्ट मैंने किया था ना, तो वही का वही सिनेरियो दिखाई देने वाला। मतलब कि उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, उससे भी थोड़ा कम हो सकता है। तो अपन वेट की अच्छे से बात करते हैं। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, द गोट का मॉर्निंग में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आए, पॉजिटिव रिव्यू आए, तो भाई कुछ लोगों की हरकतें होती है कुछ यूनिक करने का, तो कभी कभी वो लोग चूतिए बन जाते हैं। तो बस उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, बॉलीवुड वाला है सूरज भैया, उन पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो भाई पहले अपन बात कर लेते हैं द गोट की ऑक्यूपेंसी के बारे में, यानी कि तमिल लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी के बारे में, थिएटर का मतलब। हाँ, तो मॉर्निंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी थी 79% प्लस की थी, मतलब 70% बोल सकते हैं। आफ्टरनून की जो थी ऑक्यूपेंसी 71% थी, इवनिंग में जो है 78%। भाई सब बढ़ गई है, समझ रहे हो, नाइट शोज का भी आया नहीं है। वही अगर अपन बात करें हिंदी ऑक्यूपेंसी 2D की, तो भाई साहब 11%, यानी कि 12% बोल सकते हैं, 12% की ऑक्यूपेंसी थी। आफ्टरनून में जो थी 14% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज में मतलब 15% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिला। तेलुगु पर मूव करते हैं तो भाई सब तेलुगु में मॉर्निंग में 28%, मतलब आप देख रहे हैं कितना कम देखने को मिला। और वहां पे फिर यूनिटी भी काफी ज्यादा है, तो मतलब समझ ही रहोगे आप। आफ्टरनून की जो थी भाई सब 32% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शोज की 27% थी, नाइट का भी आया नहीं। लेकिन अब आप देख लें ओवरऑल तमिल एरिया में, मतलब कि भाई तमिल लैंग्वेज की जो ऑक्यूपेंसी थी हमेशा 80% के अबव भी देखने को मिला है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर डायरेक्टर वेंकट प्रभु नॉर्थ में PVR आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स उसी के साथ साथ IMAX वर्जन में रिलीज कर देते ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता। इतना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने के बाद भी बॉलीवुड वाला सूरज भैया को बुरा लग रहा है, तो जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता ना, तो 100% ये लोग ये बोलते कि फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, कॉर्पोरेट बुकिंग है। मतलब देखो, लोग जितने लोग उतनी बातें होती, तो कोई भी कुछ भी बोल देता भीड़ में, लेकिन चुपचाप हो जाता। वही देखो भैया, अगर अपन बात करें इसकी रियल ऑक्यूपेंसी के बारे में, मतलब कि ओवरऑल मतलब देख लें, तो भाई सब चेन्नई में 99% की ऑक्यूपेंसी थी। मतलब एग्जांपल आप समझ रहे हैं 99% क्या होता, 100 में से 99%। बेंगलुरु में जो ऑक्यूपेंसी थी 55% की ऑक्यूपेंसी थी, आप देख सकते हैं। कोम्बितूर में, सॉरी मदुरई में 91% की ऑक्यूपेंसी, कोम्बितूर में भाई सब 95%, पांडिचेरी में 99%, सालिम में 96%, बिल्लोर में 94%, दिंडीगुल में 95%, कोची में 52%। यहाँ पे थोड़ा मार्केट देखने को मिला। ट्रिची में भाई सब 100% की ऑक्यूपेंसी, त्रिवेंद्रम में भाई सब 47%, मुंबई में 39%, ओवरऑल मतलब कि NCR में 40% की थी। मतलब आप देखें तो जितना भी साउथ एरिया साइड, इसकी जो ऑक्यूपेंसी थी तमिल लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और भाई साहब है थलापति विजय सर का इतना दबदबा है, अब आप देख लो भाई साहब इंडियन सिनेमा में कितने बड़े बड़े एक्टर हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर हैं, लेकिन जो ये जो 4-5 एक्टर काम कर रहे हैं ना, आई थिंक सो मुझे नहीं लगता ना कोई अदर इंडस्ट्री भी नहीं लगता ना हॉलीवुड के लोग लगते। आप थलापति विजय सर को देख ले, बनानोली प्रभास अन्ना सर को देख ले, रॉकिंग स्टार यश सर को देख ले, ग्लोबल स्टार JR NTR सर, रामचरण आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर को देख ले, पवन कल्याण सर को देख ले, और भी कितने एक्टर है कन्नड़ इंडस्ट्री से, आप शिवराज अन्ना को देख ले, और भी काफी सारे बड़े बड़े एक्टर हैं। लेकिन ये जो 5-6-7 एक्टर जो काम कर रहे हैं ना भाई सब, ये मतलब कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे भाई सब तराशा जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं ना, यहाँ पर अपन ने जस्ट ऑक्यूपेंसी के बारे में बात की, लेकिन अगर अपन बात करें तो भाई साहब यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे रिफ्रेश कर रहे ना, तो इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मतलब कि जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है तो बढ़ता जा रहा है। तो देखो, अपन अपने हित की बात करते हैं, अपनी जो बातचीत है उसको करते हैं। तो देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है भारत में अपने, क्योंकि कल जब मैंने फाइनल एडवांस बुकिंग शेयर की थी, तो वहीं पर 30 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। वो तो जस्ट ऑनलाइन वाले थे, ऑफलाइन लोग भी जाते हैं भाई साहब। कल मैं गया था ऑफलाइन, मैंने आप लोगों को टिकट भी दिखाया था, अभी तो हट गया है, ऑफलाइन भी कई लोग जाते हैं। उसी के साथ साथ देखे ओवरसीज से भी तो अपन ने काउंट नहीं किया, USA का देख लें आप, से और भी काफी सारे, USA का देख ले, UK का देख ले, न्यूजीलैंड का देख ले, और भी काफी सारी जगह पे भाई साहब इसकी एडवांस बुकिंग
दबा के हुई है, तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी तगड़ा आने वाला है। और मैं ये नेट ग्रोस भाई मैं नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि अपना एक्टर क्या कर सकता है वो तो सभी को पता है। तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी कि डे वन में ओपनिंग जो वन एंड ओनली थलापति विजय सर लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं 105 करोड़ या 110 करोड़, 105 करोड़ या 110 करोड़ की डे वन की ओपनिंग लेने वाले हैं। मतलब देखो अगर इतनी आ गई, अगर इससे ज्यादा आ गई तो भी काफी बड़ा है, और उससे कम भी आ गई तो भी काफी बड़ा, क्योंकि कल की 2898 AD आफ्टरनून के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इस साल की सबसे हाईएस्ट मूवी होने वाली है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फर्स्ट पे कल की 2898 AD आती है, सेकेंड में मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आती है, और इसके बारे में अपन ऑलरेडी आफ्टरनून में बात कर चुके थे। और फिर भी अगर कम भी आया ना, तो भाई साहब यहाँ पर पोटेंशियल है, क्योंकि ओनली तमिल तेलुगु हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, नो PVR, नो आईनोक्स, नो मल्टीप्लेक्स, नो आईमैक्स वर्जन, नॉर्थ में नहीं रिलीज हुआ है, फिर भी सबसे ऊंचा आने वाला है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है डे वन का ओपनिंग कितना ले सकते हैं वन एंड ओनली थलापति विजय सर, क्या 100 करोड़ प्लस आने वाला है या 100 करोड़ के अंदर आने वाला, ग्रोस क्या लगता है, नेट क्या लगता है, ओवरसीज से कितना क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।